आज इस कोविड एंडेमिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है, जब इसके वैक्सीनेशन ड्राइव का आज लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ कारगर है और इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका अप्रूवल दिया जा चुका है। जेएनके यूटी में आपने देखा है कि कोविड पैंडेमिक का हमारे डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, अदर सर्विसेज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और पब्लिक ने बहुत अच्छी तरह इस पैंडेमिक के खिलाफ कारगर कदम उठाए हैं, जिससे कि यूटी में ये पैंडेमिक अंडर कंट्रोल है और आज इस वैक्सीन के साथ, जो कि भारतवर्ष में ही निर्मित की गई है, इसका आज लॉन्च किया गया है। पूरे यूटी में 1000 से ऊपर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर कि ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 5000 से अधिक वैक्सीनेटर्स को इसमें ट्रेन किया गया है। लगभग 1.5 लाख वैक्सीन हमको अभी प्राप्त हो चुकी हैं और अभी आने वाले समय में हम सबसे पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद जो और सर्विसेज वाले वर्कर्स हैं, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे, उनको किया जाएगा। तो पहले चरण में ये योजना है जिसमें कि लगभग रजिस्ट्रेशन 3 लाख से ऊपर का ऑलरेडी हो चुका है और इन लोगों को शीघ्र ही वैक्सीनेट किया जाएगा। ये वैक्सीन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये इसका ऑथराइजेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है और जो भी एहतियात हैं, जो भी सेफगार्ड्स हैं, सभी इसमें अपनाए गए हैं और ये कोविड-19 पैंडेमिक से हमारी लड़ाई में आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू।